फूडो केमिस्ट्री में पिछले एपिसोड नंबर 3 में हमने जेबलन्स की डायग्राम बनाना सीखा था कि जेबलन्स की डायग्राम को किस प्रकार बनाते हैं। वहां हमने यह सीखा था कि एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है, सिंगलेट स्टेट के बारे में जाना था और ट्रिपलेट स्टेट के बारे में जाना था और बताया था इनको कि सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में है या चक्रण बहुलता के बारे में है। यहाँ आज हम जेबलन्स की डायग्राम का डिस्क्रिप्शन सीखेंगे, जिसमें हम रेडिएटिव ट्रांजिशन और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की बात करेंगे और विशेष रूप से जो हम बात करेंगे जो रेडिएटिव ट्रांजिशन हैं उनमें फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस की, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति की। जेबलन्स की डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखते समय हमें इस पर दो बातों पर विशेष ध्यान देना है। इस जेबलन्स की डायग्राम में दो तरह के हमें इमिशन देखते हैं, एक कहलाता है रेडिएटिव इमिशन और एक कहलाता है नॉन रेडिएटिव इमिशन। हिंदी में कहते हैं विकिरणी संक्रमण या विकिरणी उत्सर्जन और एक कहलाता है अविकिरणी उत्सर्जन। तो दो तरह के हैं, एक तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन या उसको हम कहते हैं अविकिरणी संक्रमण और एक कहलाता है विकिरणी संक्रमण या रेडिएटिव ट्रांजिशन। नाम से ही आपके समझ में आ रहा होगा कि एक में तो रेडिएशंस का इमिशन होगा, जो विकिरणी संक्रमण है रेडिएटिव ट्रांजिशंस कह रहे हैं उनमें रेडिएशंस या विकिरणों का उत्सर्जन होगा, और दूसरे वाले में अविकिरणी संक्रमण या नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस हैं इनमें विकिरणों का या रेडिएशंस का इमिशन नहीं होगा। तो पहले बात करें नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस की, अविकिरणी उत्सर्जन की, उनमें पहला है इंटरनल क्रॉसिंग। इंटरनल क्रॉसिंग में आपने देखे हैं कि थर्ड सिंगलेट स्टेट से सेकंड सिंगलेट स्टेट में आना और सेकंड से फर्स्ट सिंगलेट में आना, इसी प्रकार से थर्ड ट्रिपलेट से सेकंड ट्रिपलेट और सेकंड ट्रिपलेट से ये फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट में जो आ रहा है ये क्या कहलाता है, इंटरनल क्रॉसिंग कहलाता है। एक ही स्टेट में ऊपर वाले से यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना इसको इंटरनल क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई रेडिएशंस का इमिशन नहीं होता बल्कि थर्मल इमिशंस होते हैं। यहाँ अब देखो हायर से लोअर जी लेवल में तो आ रहा है तो किस प्रकार का इमिशन होगा, ये थर्मल इमिशंस होंगे, ऊष्मीय उत्सर्जन होते हैं, रेडिएटिव इमिशंस नहीं है, ये नॉन रेडिएटिव इमिशंस कहलाते हैं। और इसमें कुछ कुल लगने वाला जो समय है वो 10^-11 सेकंड से 10^-9 सेकंड के बीच होता है। समय देखने कितनी शीघ्रता से ये होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आना और किस एनर्जी का इमिशन किसके रूप में, थर्मल एनर्जी के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्सर्जन होता है और समय लगता है इसमें 10^-11 सेकंड से 10^-9 सेकंड। दूसरा इसी प्रकार का नॉन रेडिएटिव इमिशन है वो कहलाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आना, सिंगलेट से ट्रिपलेट में, सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में आना, तो ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। और इसमें भी जो एनर्जी का इमिशन हो रहा है, आप देखें यहाँ से ये लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, इससे भी ये लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो एनर्जी का इमिशन ये थर्मल एनर्जी के रूप में करते हैं, हम क्या थर्मल इमिशंस होते हैं यहाँ पर, रेडिएटिव इमिशंस नहीं होते, तो ऊष्मीय उत्सर्जन होते हैं, विकिरणी उत्सर्जन नहीं होते। और इसमें जो लगने वाला समय है वो है 10^-6 सेकंड से 10^-4 सेकंड, इसके तुलना में थोड़ा सा समय ज्यादा, वो था 10^-11 सेकंड से 10^-9 सेकंड और ये है 10^-6 सेकंड से 10^-4 सेकंड। तो इन दोनों इमिशंस को हम नॉन रेडिएटिव इमिशन या अविकिरणी संक्रमण या उत्सर्जन कहते हैं, और इसमें जो ऊष्मा का जो उत्सर्जन होता है वो थर्मल एनर्जी के रूप में या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम रेडिएटिव इमिशन या विकिरणी संक्रमणों की। तो विकिरणी संक्रमण जैसे आप पहले यहां देख रहे हैं कि यदि फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से कहा रहा है वापस ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो इसको हम कहते हैं फ्लोरोसेंस और हिंदी में कहते हैं प्रतिदीप्ति, फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति। और यदि ये ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो इसको हम कहते हैं, फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस या इसे कहते हैं प्रतिदीप्ति, सॉरी स्फुरदीप्ति। ये प्रतिदीप्ति है, स्फुरदीप्ति, ये फ्लोरोसेंस और ये फॉस्फोरेसेंस। अब हमें करना क्या है कि एग्जाम में क्या आता है, या तो जेबलन्स डायग्राम पूरा आता है तो पहले आप जेबलन्स डायग्राम को बना दीजिए, उसके बाद इसके नॉन रेडिएटिव इमिशंस को बताइए, फिर रेडिएटिव इमिशंस और फिर फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है, इनका तुलनात्मक अध्ययन, या तो ये बड़ा क्वेश्चन के रूप में आता है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस में।
या कई बार क्या करते हैं केवल फ्लोरोसेंस के बारे में पूछ लेते हैं या केवल फॉस्फोरेसेंस के बारे में, किस पर शॉर्ट नोट लिखें या दोनों का कंपेरिजन, फ्लोरोसेंस का और फॉस्फोरेसेंस का, यानी कि प्रतिदीप्ति का और स्फुरदीप्ति का भी कंपेरिजन आपस में पूछ लेते हैं। तो हम समझे यहाँ पर फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस, इनका कंपेरिजन समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा होगा। फ्लोरोसेंस, जैसे मैंने कहा फ्लोरोसेंस के बारे में क्या लिखोगे कि यदि इमिशन फर्स्ट सिंगुलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हो रहा है तो उसको फ्लोरोसेंस या फिर प्रतिदीप्ति कहते हैं, यदि ये ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हो रहा है तो उसको फॉस्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति कहते हैं। यहाँ जो ये समय लगता है वो कम लगता है, इसमें समय ज्यादा लगता है। समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। जैसे ही लाइट सोर्स कोई आएगा, लाइट सोर्स किसी सब्सटेंस पर, किसी पदार्थ पर गिरेगा, तो ये तुरंत फ्लोरोसेंस इमिशन करेगा तुरंत। ये आपने देखा होगा, आप जाते हैं वो जो रोड्स पर सिग्नल्स लगे रहते हैं, वहाँ जो रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं या जिनसे हमें पता चलता है, जैसे ही हमारे किसी भी गाड़ी की लाइट उस पर पड़ती है तो तुरंत वो चमकते हैं, ऐसे आपने देखा होगा जो लगे हुए, तो वो क्या है, वो फ्लोरोसेंस है। उसमें क्या है कि जैसे ही उस पर लाइट सोर्स पड़ेगी वो तुरंत इमिशन करेंगे, तो ये फ्लोरोसेंस है। ये जैसे ही इससे लाइट सोर्स हटाओगे ये फ्लोरोसेंस बंद हो जाएगा। लेकिन फॉस्फोरेसेंस का जो समय है वो 10^-4 सेकंड से और ये 20 सेकंड तक होता है। इसका मतलब क्या होगा कि लाइट सोर्स हटाने के बाद भी कुछ सेकंड तक ये फॉस्फोरेसेंस, या इसको हम स्फुरदीप्ति कहते हैं, दिखाई देती रहती है। कारण आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो फ्लोरोसेंस में दिखे तो पहले एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद में तुरंत यही इमिशन हो गया, तो इसमें समय कम लगेगा। जैसे ही लाइट सोर्स हटाएंगे जो रेडिएटिंग सोर्स है जिससे कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो तुरंत यहाँ भी यह भी बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ का एब्जॉर्प्शन ट्रिपलेट स्टेट में नहीं है, तो पहले यहाँ ये एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से इंटरनल क्रॉसिंग या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा और ट्रिपलेट स्टेट से फिर वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इस कारण से इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो ये लगता है 10^-4 सेकंड से 20 सेकंड तक, जबकि इसका जो समय है वो 10^-6 सेकंड से 10^-2 सेकंड तक का है। और ये जैसे ही लाइट सोर्स हटता है या रेडिएंट सोर्स हटता है तुरंत ये बंद हो जाता है। तो फॉस्फोरेसेंस में पहला डिफरेंस हमने क्या देखा कि यह ग्राउंड फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना, फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट से और इसमें ग्राउंड स्टेट में आना, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, ये लाइट सोर्स हटाते ही ये बंद हो जाएगा, ये लाइट सोर्स हटाने के भी कुछ सेकेंड्स तक रहता है। तीसरा देखें, यहाँ जो इमिशन सॉरी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो या तो विजिबल रीजन की रेडिएशन का होता है या अल्ट्रावायलेट। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था जब पहला एपिसोड पढ़ाया था कि रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन 200-800 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। तो यहाँ जो रेडिएशंस हो रहा है वो पूरा विजिबल रीजन और उसके साथ साथ कौन सा अल्ट्रावायलेट रीजन, पराबैंगनी क्षेत्र और दृश्य क्षेत्र के विकिरणों के अवशोषण के कारण से होता है। यहाँ ये जो फॉस्फोरेसेंस है ये अल्ट्रावायलेट रीजन यानी पराबैंगनी क्षेत्र और विजिबल का केवल वायलेट रीजन, पूरा नहीं विजिबल का, केवल वायलेट रीजन। फिर समझने दोनों अंतर, ये तो यूवी और विजिबल दोनों रीजन की रेडिएशंस के अब्जॉर्प्शन से होगा, ये यूवी प्लस विजिबल में केवल वायलेट इससे होगा। तीसरा अंतर समझ में आ गया। चौथा ये कि फ्लोरोसेंस सॉलिड लिक्विड अथवा गैसियस मटेरियल कैसा भी हो, सॉलिड ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि फॉस्फोरेसेंस अधिकांशतः ठोस के द्वारा या सॉलिड्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये इसमें और अंतर आपको इस पर समझ में आ गया होगा। यहां तो कौन सा आ रहा है, एक तो यूवी रीजन है और साथ साथ विजिबल रीजन है, जबकि इसके लिए यूवी रीजन और केवल कौन सा वायलेट कलर ये। और चौथा हमने देखा कि ये जो फ्लोरोसेंस है ये सॉलिड लिक्विड अथवा गैस किसी के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि यहां पर ये किसके, केवल सॉलिड्स के द्वारा होता है। अलग अलग रीजन की रेडिएशन में हमें अलग अलग कलर के फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस हमें दिखाई देते हैं। और यह भी आपके समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही रेडिएशन के अब्जॉर्प्शन करेगा तो कुछ एनर्जी थर्मल एनर्जी के रूप में निकल जाएगी, तो रेस्ट एनर्जी जो फ्लोरोसेंस अथवा फॉस्फोरेसेंस के रूप में इमिशन हो रही है वो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन से कम होगी। जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उससे इसका जो इंटेंसिटी होगी या जो एनर्जी होगी जो कम होगी, तो एनर्जी कम, हम जानते हैं एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब जो इमिटेड रेडिएशन है जो फ्लोरोसेंस अथवा फॉस्फोरेसेंस के रूप में निकल रही है उनकी वेवलेंथ हमेशा एब्जॉर्प्शन वाली वेवलेंथ से ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि एनर्जी कम होगी, कुछ एनर्जी किसमें निकल गई, थर्मल एनर्जी के रूप में निकल गई।
इसीलिए जो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस के रूप में जो एमिशन हो रहा है, रेडिएटिव एमिशन हो रहा है, विकिरणी संक्रमण हो रहा है या विकिरणी उत्सर्जन हो रहा है, तो उसमें ये जो एनर्जी होगी, जो रेडिएशन होंगी, उनकी वेवलेंथ निश्चित रूप से ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो आपको ये जब पूरा जेब्लोंस के डायग्राम क्या आए तो आप उसमें पहले नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस बताएंगे, फिर रेडिएटिव ट्रांजिशंस बताएंगे, और उसमें फिर क्या करेंगे, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। और यदि केवल फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस के बारे में लिखने को आए तो उनमें दोनों में अंतर भी बता सकते हैं या फिर हम उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूरा जेब्लोंस के डायग्राम यहाँ समझाना है। धन्यवाद।